बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। मेरे पास पैडागोजी के एमसीक्यूज़ हैं जो 2019 से लेकर 2021 के हैं, जो एनटीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और पैडागोजी का पहला एमसीक्यूज़ है फॉर्मेटिव असिस्मेंट जो है के लिए फार इस्तेमाल किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। समेटिक असिस्मेंट जो रहती है वो ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। रिलायबिलिटी ऑफ एन असिस्मेंट रिलेटेड टू द डैश ऑफ एन असिस्मेंट, ये जो है कंसिस्टेंसी यूज़ की जाती है। राइट ऑप्शन इसका सी है। रिलायबिलिटी के साथ सेम यूज़ किया जाता है, या टेस्ट रिटेस्ट हो या कंसिस्टेंसी हो, ये रिलायबिलिटी कहलाता है। एन असिस्मेंट यूज टू डिटरमाइन ए पर्सन एबिलिटीज ए पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है प्रॉब्लम डिफिकल्टी के लिए यूज़ किया जाता है। एवोल्यूशन वर्थ वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज या क्वान्टिटेटिव कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। एन असिस्मेंट दैट द एंड में समेटिव यूज किया जाता है। एन असिस्मेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असिस्मेंट कहलाता है। यहाँ पे जो है थ्रू आउट द कोर्स है, यानी दौरान है लेक्चर, ये जो है फॉर्मेटिव असिस्मेंट कहलाता है। थ्रू आउट के साथ फॉर्मेटिव आता है। एन असिस्मेंट इफ कंसिस्टेंसी अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट, ये रिलायबल कहलाता है। यहाँ पे सेम का लफ्ज यूज हो रहा है, इसके साथ रिलायबल आता है। ए एंड डैश असिस्मेंट इज वन विच मैयर व्हाट इज टेन टू मैयर इन टेन टू मैयर के वैलिड कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, वैलिड है। इसको गेट चूज टू एवलेट द क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट इज नोन एज रूबेक्स। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है, रूबेक्स कहलाएगा। रूबेक्स के लिए स्कोर चूज किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। इन मेजरमेंट द फर्स्ट स्टेप जो है डिसीजन वॉट टू मेजर डी है। स्कोर जो है ये राइट ऑप्शन डी है इसका हमारे पास। सम ऑफ ए क्वेश्चन इज कॉल्ड टेस्ट, राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। फॉर द फ्लोइंग राइट सिक्वेंसेस टेस्ट मेजरमेंट असिस्मेंट एवलुएशंस, टेस्ट जो है सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, फिर मेजरमेंट की जाती है, फिर असिस्मेंट किया जाता है, फिर एवेल्यूशन की जाती है, उसकी इजाजा लिया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है, इसकी राइट सिक्वेंस है। प्रोजेक्ट टेक्निक आर बेसिकली यूज टू मेजर, बेस प्रोजेक्ट टेक्निक हमेशा पर्सनैलिटी के लिए यूज की जाती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। वाई आर कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन आर नेसेसरी, इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है, नो अननेसेसरी फियर्स ऑफ एग्जाम्स इज सीन अमंग द लर्नर्स बाय कंटिन्यूस एवोल्यूशन। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। इसके बाद 15 जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, 15 में है द काइंड ऑफ लर्निंग इन विच द चिल्ड्रन लर्न थ्रो इमिटेशंस ऑफ अदर्स इज कॉल्ड, बच्चे जो हैं जो दूसरों से सीखते हैं वो कहलाता है सोशल लर्निंग कहलाता है। यानी मीडिया से जो बच्चे सीखते हैं, मीडिया से मुराद है किसी दूसरे से नकल के जरिए से सीखना या उसकी पर्सनैलिटी से सीखना, टीवी मोबाइल, ये सोशल लर्निंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। इसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज है 16 है, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग, ये कहलाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो या साइंटिफिक रीजनिंग भी है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका राइट ऑप्शन सी है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, ये राइट ऑप्शन हमारे पास सी है। एक्टिव करता है, एक्सप्लोरेशन होती है ऑफ द सराउंडिंग में,
ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, राइट ऑप्शन इसका सी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्क्वर्टिंग, इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है बी है, ए चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो है इनकॉर्पोरेट्स डिवाइजर पेडागोजी मेथड प्रमोट्स द डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिस कंसिडर द चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट गिव द प्रमिस टू द टीचर्स अथॉरिटी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 वाला सही है। राइट ऑप्शन हमारे पास एंड वाला है, 1, 2, 3 वाला सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी इसमें सही है। इसके बाद जो एमसीक्यूस 20 है, 20 में है, लर्निंग ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस शुड बी प्रमोटेड बाय प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल सपोर्ट। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।